तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भगवान गीता जी में सिद्ध हो रहे हैं। देखिए पवित्र गीता जी, इसमें 7वें अध्याय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है नीचे आइए 24वें श्लोक में कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम माने घटिया अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को, ये माम माने मुझ को व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं। अव्यक्तम माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को, मैं किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त का अर्थ होता है मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, गुप्त रहता हूं, मुझे व्यक्तिम व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। स्पष्ट क्या है, मैं अव्यक्त रहता हूं। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है, जैसे सूर्य बादलों के पीछे हो, बादल छाए हो तो उसमें सूर्य हमें दिखाई नहीं देता लेकिन बादलों के पार विद्यमान है, वो अव्यक्त है, वो प्रगट नहीं है, वो व्यक्त नहीं है, वो हमारे सामने दृश्यमान नहीं है, अदृश्य को अव्यक्त कहते हैं। तो ये कहते हैं कि युग काल कहता है कि मैं भी अव्यक्त हूँ और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति मान आया हुआ मानेंगे, ये कृष्ण सोच रहे होंगे मैं कृष्ण नहीं हूँ क्योंकि वो तो बोल कृष्ण में रहा था। अब 8वें अध्याय के अंदर अभी जो आपको बता रहे 18वें श्लोक में यही प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें गीता जी के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि उस परब्रह्म अव्यक्त से क्या जब दिन समाप्त होता है तो सभी उसकी रात्रि रूप में सब प्राणियों का विनाश हो जाता है, और जब वो परब्रह्म की एक रात समाप्त होती है और दिन शुरू होता है 1000 युग का, तब यह सृष्टि काल की फिर रची जाती है उस अव्यक्त। अब देखना बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा जो मैं क्या कह समझाना चाहता हूं आप जी को। 8वां अध्याय 18वें पाव इधर यहां संपूर्ण चराचर भूतगण व्यक्त है, चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन प्रवेश काल में नहीं, ये परब्रह्म के प्रवेश के दिन काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से, उस अव्यक्तात्मा ने उस अव्यक्त से, अव्यक्तात्मा ने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक, यहां परब्रह्म मानना पड़ेगा हमने, के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए हे पार्थ 19वां श्लोक वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर संस्कार वर्त के वश प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। आगे देखना 20 में क्या कहा है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त है, दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव पुरुष, वह परम दिव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। क्या कहा है कि एक तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने, एक तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया कि मैं भी अव्यक्त हूं,
और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप मैं व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अव्यक्त रहता हूँ। फिर सात आठवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में बताया कि सभी प्राणी उस परब्रह्म रूपी अव्यक्त के दिन काल में तक प्रकट हो जाते हैं, रात्रि काल में जो 1000 युग का होता है उसमें वो लीन रहते हैं। फिर कहते हैं अठारहवें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त इस परब्रह्म से भी एक और अव्यक्त जो अविनाशी अव्यक्त भाव है वो परम पुरुष परमात्मा तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। देखो अध्याय आठ का ये 20 श्लोक देखो। परंतु उस अव्यक्त से भी जो परे यानी परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव पूर्ण परमात्मा है, जो सनातन यानी सदा रहने वाला अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब 20:21 में देखो, अव्यक्त अक्षर वो जो तीसरे नंबर का अव्यक्त है परम अक्षर ब्रह्म है, वह अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अक्षर माने अविनाशी। अब इसमें क्या कहा है कि अव्यक्त अक्षर वो उसको अक्षर माने अविनाशी, अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा जाता है। उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब ये नीचे देखिए, हे परमात्मा, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत ओए होए गीता ज्ञान दाता कहता है किसी और पूर्ण परमात्मा के विषय में, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संसार यह समस्त समस्त जग परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। अब देखना, इसमें आपने आठवें अध्याय के 21वें श्लोक में एक शब्द पढ़ा है कि वो मेरा परम धाम है। यहां पर जो काल कह रहा है कि वो मेरा भी परम धाम है, अब कहने का भाव है कि यो काल भी उस सतलोक से ही यहां आया है और हम भी वहीं से आए हैं, अपना भी मुख्य स्थान तो सतलोक ही है, और ये भी कह रहा है मेरा भी वो परम धाम है। अब जैसे कोई किसी गांव में रहा करते और वो 2-3 पीढ़ी से शहर में रह रहे हैं और उस गांव में उनका कोई संपत्ति नहीं, कोई जायदाद नहीं, अब उनका कोई वहां पर हिसाब किताब, वोट भी कोई ना, और फिर भी उस गांव का व्यक्ति उसे कभी मिलता है तो यूं क्या कर, भाई मेरा भी पुराना गांव वो ये है। तो काल ब्रह्म इस दृष्टिकोण से कह रहा है कि वो परम, मेरा भी परम धाम है, लेकिन उसके बारे में बताता है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आते हैं यानी वो पूर्ण वासुदेव है, सबके ऊपर जो मालिक है, सबका सब पर व्यापक है, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से समस्त जगत व्यापक है यानी जिसने सारी सृष्टि को संभाल रखा है, परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, यानी किसी और देवी देवता ब्रह्म परब्रह्म की को इष्ट रूप में पूजा नहीं करने से वो परमात्मा प्राप्त होता है, यानी अनन्य भक्ति इसका कहते हैं कि किसी और में ध्यान नहीं, ना किसी में आस्था रहे, ना किसी को इष्ट रूप में पूजे। जो पति भरता पति से राति आन पुरुष नहीं भावे, बसपि हरम सुरत प्रियतम जनो को ध्यान लगावे। अब जैसे पति भरता लड़की अपने घर भी चली जाती है तो भी अपने पति का चिंतन नहीं भूलती, और पतिव्रता लड़की अपने एक जॉइंट फैमिली में भी रहती है, उसमें सास भी है, ससुर भी है, जेठ भी, जेठानी भी, देवर और देवरानी भी, वो यथोचित उत्तर सब आदर सबका करती है, जेठ को
बड़े भाई यानी की तरह, पिता ससुर को पिता की तरह, सास को माँ की तरह, देवर को छोटे भाई की तरह। तो इस प्रकार वो सबका आदर करती है, लेकिन जो उसका लगाव अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता। उसके लिए पति पूज्य होता है वो, और अन्य का वो सत्कार करती है। इसी प्रकार हम जितने भी अपने जो आपको मंत्र दिए जाते हैं, ये हमारा एक परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये दुर्गा आदि, ये हमारा एक परिवार है। और हमारा कुल का, हम का सब का पिता एक कुल मालिक पति यानी कबीर परमात्मा है। हमने जैसे वो पति बरता, लड़की जब तक ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो बिल्कुल मिलजुल कर सबको आदर सत्कार करती है। जब वो भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, तो वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। जेठ जेठानी में उसका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि वो उसके साथ वो पति भरता। इसी प्रकार कहते, जब हम यहाँ संसार त्याग कर जावांगे, इन त्यारे होवांगे, हम अपने सतलोक चले जाएंगे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन इनसे हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं है। अब अलग हो गए तो जेठ और देवरात है, कोई उसका मनमुटाव नहीं है, लेकिन पति के समय वो किसी को नहीं मान सकती। इसी प्रकार हमने अपने, इसलिए उसको अनन्य मन कहते हैं, किसी और में श्रद्धा ना हो उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य देव में हमारी आस्था ना बने तो हम पतिव्रता पद पर रहेंगे, और तभी परमात्मा को हम पसंद होंगे। और जब हम इस तरीके से उस कबीर परमात्मा को पूजेंगे, किसी देव में आस्था नहीं रखेंगे, तब हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। उसके बारे में बताया है, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसे भगत को जो पतिव्रता की तरह अपने पूर्ण परमात्मा पर आश्रित हो गया, फिर उसके जीवन सफर में वो पूर्ण परमात्मा काटे रूपी दुष्कर्मों को ऐसे बुहार देता है जैसे उस मेरे इस भगत के, मेरे बच्चे के कोई कांटा ना लग जाए, यानी कोई पाप कर्म का दुख इसको आ ना जा, आने से पहले ही वो उनको साफ कर देता है। जैसे वो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, वो समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते वो समर्थ कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु अपने बच्चे के उस जीवन सफर के आगे आगे पाप कर्मों को दूर दूर करता चलता है, मेरे बच्चे के कांटा ना लग जाए, यानी कोई कष्ट ना आ जावे। इसलिए लिखा कि वो पूर्ण परमात्मा तो अनन्य मन से प्राप्त करने योग्य होता है। अब ये तत्व ज्ञान है, गीता जी का ज्ञान है। अभी तक हमने गीता जी के बारे में दो बात बताया करते, अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, तू है शरीर तेरा है नहीं, संपत्ति तेरी, तू क्यों मोह में फंस गया, वाह वाह गीता का ज्ञान सुना दिया। गीता जी का ज्ञान तो ये है जो आपके समक्ष आ रहा है, उसको गीता जी का सार कहा करते, चार लाइनों को गीता जी का सार समझने में तो जोटा लगेगा पूरा, यानी पूरा समय लगेगा, और ये समझवाने के बाद फिर आपको सब ज्ञान फीका लगेगा। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला है कबीर परमात्मा का तत्व ज्ञान। अब देखना ये पूरे विश्व में छावेगा, और एक बार फिर देख लेना इस कलयुग के अंदर सतयुग जैसा एक माहौल बन जाएगा। क्योंकि हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, सेठ बनना, साहूकार बनना चाहते हैं, दूसरे ने लूट कर, रिश्वत करके, दो के बीच बनाकर, डाके मार कर, कभी नहीं बन सकते। दूना पाप कमाते हैं, और जो किस्मत में लिखा उससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आपने किसी ने चोरी चप्पा करके दो के बीच बनाकर दो चार लाख इकट्ठे भी कर लिए, एक दो लाख रुपया कमा लिया, कोई बालक बीमार हो जाएगा बच्चा, वो चार लाख लाग जाएंगे और वो बच्चा भी मर गया। आगे बराबर, अब ये कबीर परमात्मा आपको वो धन देगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं है,
आपके ऊपर आपके कोई भयंकर बीमारी है, लाखों रुपये लगने हैं, परमात्मा आपको वैसे ही ठीक कर देगा, आपको वो बच गए पैसे। और वो पाप कमा कमा के, तब पाप तो कमा सकते थे लेकिन पैसा नहीं कमा सकते। अब मैं आपको उस परमात्मा कैसे कृपा करता है एक दो भगत का उदाहरण देता हूं। अब देखिएगा, ये एक भक्त है धर्मचंद शर्मा, 718 शक्ति नगर बठिंडा पंजाब से आए हुए हैं वो धर्मचंद जी। वो कहाँ एक बार कृपा खड़े होकर के अपने भक्त भाइयों को दर्शन दे, वो सामने खड़े हुए, वो सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, ये धर्मचंद जी शर्मा हैं, बठिंडा से आए हैं। इन्होंने पहले 30 वर्ष से एक पंथ से नाम ले रखा था जो 5 नाम देते हैं, रंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम, सोहम, ये 5 नाम वाले ग्रुप थे, ये नाम ले रखा था। उसके बाद इन्होंने हमारे ज्ञान का पता लगा, ये बरवाड़ा आश्रम में आए, अब 4-5 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने अपने साथ परमात्मा का एक करिश्मा जो बीता है वो लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये भक्त आपके समझ खड़ा है, बैठ जाइए जी। ये क्या लिखते हैं कि दास बठिंडा का रहने वाला है। ओए होए, कितनी प्यारी बोली हो जाती है परमात्मा के बच्चे की जो सत्संग मारने लग जाता है। दास बठिंडा का रहने वाला है, सन 2005 की घटना है। दास ने एक वेल्डिंग का काम करने वाले से 1000 रुपये लेने थे। उसने मेरे लड़के को 500 रुपये देकर कहा कि इतने ही देने थे और कोई पैसा मैंने नहीं देना। दास पुलिस महकमे से रिटायर्ड है, दास को बहुत महसूस हुआ। दास पुलिस के थाने में गया और SHO को सारी बात बताई, तो उसने कहा कि आप बैठो, मैं अभी उसे बुलाता हूँ और आपके रुपए मिल जाएंगे। वह आदमी थाने में आ गया और थानेदार को एक और ले गया। जब थानेदार वापस आया तो उसके तेवर बदले हुए थे, कहने लगा कि अपना लेन देन बाहर जाकर करो, यहाँ झगड़ा करोगे तो दोनों को बंद कर दूंगा। दास को दुख हुआ, परंतु कबीर वाणी का श्लोक याद आया, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोए, आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख होते। देख कितनी शांति दे दी परमात्मा की वाणी ने ऐसे दुख के समय। अच्छा, 1 महीने के बाद दास बैंक में गया। ओए होए, अब देखना कमाल कुदरत का। 1 महीने के बाद दास बैंक गया तो उनका प्रिंटर खराब था। क्लर्क ने कहा मैं हाथ से बैलेंस लिख देता हूं। 1/2/2005 को, 1 फरवरी 2005 को मेरा बैलेंस 8,752.63 था। ये देखिएगा, ये है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये इन्होंने एक प्रमाण भी साथ दिया है। ये है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चालू खाता। अब इसमें क्या दिखाया है ये देखिएगा, ये है नीचे देखना, ये देखिएगा, इसमें एक फरवरी 2005 को, ये देखना 1/2/2005 को इसमें कितना बैलेंस है इनका, ये है 8,752.63। और फिर उसी दिन हाथ से लिखता है नीचे देखना, ये 1/2/2005 को टोटल उसने लिखा है
24,752.63, 16,000 रुपये बढ़ गए, ये 8,752.63 थे उसी दिन। प्रिंटर खराब हो गया तो उसने हाथ से लिख दिए। अब उसने जब हाथ से लिखा तो टोटल बैलेंस पाया 24,752.63। अब फिर उन्होंने ये 11,000 एक बार निकलवाए, 9,000 एक बार निकलवाए, ये इस प्रकार जमा खाता चलता आ रहा है। अभी इन्होंने क्या बताया है, के 1,2,2005 को मेरा बैंक बैलेंस 8,752.63 था, 1,2,2005 को ही फिर हाथ से लिखा 24,752.63 था। बंदी छोड़ की कृपा से 16,000 रुपये मेरे खाते में बढ़ गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर वाणी पढ़कर यानी अपने शब्द को जीवन में उतार लें तो लोक सुखी परलोक सुखी हो जाएगा। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। अब पुण्यात्माओं, ये तो एक जैसे वो कहते हैं ना, ट्रेलर है भगवान का ट्रेलर। यदि हम और ज्यादा दृढ़ता से इसकी तरफ लगेंगे तो ना जाने के तक ये कर देगा। अब उन बैंक वाले का भी बैलेंस पूरा उस मालिक ने कराया। अब ये परमात्मा जो चाहे सो कर दे एक मिनट में। अब आपने देखे होंगे जादूगर मिट्टी हाथ में उठाकर रुपया बना दे चांदी का, वो तो छोटे मोटे जादूगर अस्थाई। और ये परमात्मा उन जादूगरों का भी जादूगर है, ये सारी सृष्टि उस जादूगर ने रच रखी है। और वो ना जाने के बना दे, इस मिट्टी का सोना बना दे, सोने का पहाड़ बना दे, पत्थर का पहाड़ बना दे। अब आपको एक कथा और सुनाता हूं परमात्मा क्या करता है। ये है भक्त राजकुमार दास पुत्र श्री दिलीप सिंह काद्यान, एक्स सूबेदार, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला झज्जर का निवासी हो। वो कहाँ है भक्त जी, एक बार खड़ा हो जाए। ये देखो, ये सूबेदार साहब खड़े हैं, श्री राजकुमार दास पुत्र श्री दिलीप सिंह काद्यान, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला रोहतक। अब इनके बारे में मैं आपको सुनाता हूं जिन्होंने अपनी आप बीती मुझे लिख कर दी है। आप कृपा बैठ जाए। मेरा मोबाइल नंबर इतना है। मेरी पत्नी तथा दोनों बच्चों ने 1998 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दान ले रखा है। उनके द्वारा लाई गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की मेरे घर में रखी थी। मैंने इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा, मुझे ज्ञान हुआ कि भक्ति मार्ग में विकार बाधक हैं। मैंने भी सभी विकार त्याग कर सन 2005 में गुरुदेव की शरण में ग्रहण कर ली। भक्ति जारी रही, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मैंने मई 2007 में बाहरी दिल्ली में रिलायंस में सेवा ग्रहण की, वहां नौकरी करने लग गई। ये अचानक 18 फरवरी 2008 को मेरी जांग में बड़ा सा सख्त फोड़ा अनुभव हुआ। 19 फरवरी 2008 को मैंने सत्यवादी राजा हरिचंद्र अस्पताल नरेला में जांच करवाई। डॉक्टर साहब ने फोड़ा सुखाने की दवा दवाइयां दी। 5 दिन बाद फिर जांच करवाने के लिए कहा, मगर उसी दिन दोपहर 12:30 दर्द बढ़ गया। मुझे सदगुरु देव की आवाज सुनाई दी कि यदि आप पहले शरण में आ जाते तो ये कष्ट भी नहीं आता। सायंकाल
साढ़े आठ बजे मूत्रालय के लिए निकला तो मुझे बेहद दर्द हुआ, चक्कर आ गया, बेहोशी की हालत में पसीना पसीना हो गया। मैं ब्रह्म गायत्री मंत्र यानी प्रथम मंत्र कर रहा था, जो पहला मंत्र दिया जाता है सात नाम का। मैंने देखा कि काल ने मेरी गर्दन दबा रखी है। उसी समय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे राहत महसूस हुई। सदगुरु देव ने मुझे सतनाम का जाप करने को कहा। मैंने सतनाम सतनाम की रट लगा दी। फिर सतगुरु देव ने कहा, मुझे कहा कि श्वास वाला सुमन करो, सतनाम सतनाम नहीं, जो दो मंत्र का है श्वास, उस श्वास से जो जाप करते हैं उसको सतनाम कहते हैं। जो ही मैंने श्वास का सुमन शुरू किया तो काल लगभग 50 गज की दूरी पर हट गया। सदगुरु देव ने मुझे बताया कि इतनी देर में यह काल कर्महीन की तो छाती को तोड़ देता। ओए हाय, मुझे समझाते हुए सदगुरु देव कहने लगे कि सत्संग तथा पुस्तकों के माध्यम से कितनी बार बताया है कि कोई आपत्ति आए तो श्वास का सुमन करना है, फिर भी आप गलती कर देते हो। इतना कहकर सतगुरु देव अंतर ध्यान हो गए। ये अभी इस 18 फरवरी की बात है, ये 18 फरवरी 2008 की, 19 फरवरी की। नरेश सन्नोप श्री जयसिंह गांव बिरधाणा जज्जर और सुरेंद्र सन्नोप श्री उमराव सिंह गांव करोली रेवाड़ी ने मुझे बेहोशी की हालत में चार पाई पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरा दर्द गायब था। बोलो सतगुरुदेव की जय। मैंने सतगुरुदेव को लाख लाख धन्यवाद किया, थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। सुबह 20 फरवरी 2008 को उठा तो फोड़ा फूट चुका था। उसी दिन अस्पताल में डॉक्टर को जाकर दिखाया तो पूरा वृत्तांत बताया। डॉक्टर हैरान थे, उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों को भी बताया, जांच की तथा बची हुई दवाइयां वापस जमा करके छुट्टी कर दी। यह सब राहत बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से संभव है। मुझे जीवन दान मिला, सत साहिब। पुण्यात्माओं, अब ये है खेल परमात्मा के। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, वाई कदे न हो एकाद राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। इस समर्थ की शरण माने के बाद कभी अकाद नहीं होगा, आपके घर में कोई दुख नहीं छावेगा, सदा होरी रहेगी, राम रंग होरी हो। कदे ना हो अकाद राम रंग होरी हो, कभी भी आपकी हानि यानी कोई दुख आपके ऊपर नहीं आएगा, सदा सुखी रहोगे। पुण्यात्मा, कोई सौभाग्य है आपका जो आपको ये मार्ग मिल रहा है। आप परमात्मा के चरणों में किसी युग में कभी किसी जन्म में अवश्य रहे हो, इसलिए आप शीघ्र आ रहे हो। और पीछे ये लुटपिट कावेंगे, आना से भी नहीं यही पड़ेगा। हमारा एक भक्त है, वो एक दिन ऐसे एक चुटकुला सा कह रहा था, इन्होंने बोला जी इन पंथों ने, ये जितने भी संत हैं पंथ हैं, इन्होंने आना तो पड़ेगा अपने दौरे, और तो किधर ठिकाना नहीं। ये भोले श्रद्धालु हैं, कभी इनको जब ज्ञान समझ में आओगा कुछ तो जल्दी आ जाएंगे उनके पास, उन नकली संतान छोड़ के, और कुछ फिर जब उनके संत भी हाथ खड़े कर देंगे भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो बाकी के फिर आ जाएंगे। और एक आध इंद्र बाग फिर भी बैठा रहा, अगर शायद गुरु जी ये ठीक हो, कैसे जैसे बस में सफर करने जा रहे करते जा रहे हैं और वो बस खराब हो जाती है तो कंडक्टर ड्राइवर ने कह दिया करें भाई बस खराब हो गई है, दूसरी में बैठ लो। तो समझदार तो तुरंत उतर कर दूसरी बस की इंतजार करने लग जाते हैं या पकड़कर दूसरी बस में चढ़कर चले जाते हैं। और कुछ एक फिर भी बैठे रहा करें, ना उतरा करें, कंडक्टर ड्राइवर भी कहे जाकर कहते रहते भाई उतर लो या बस खराब हो गई है, दूसरी बैठ लो, ना उतरे। और कुछ कुछ उतर जाए फिर भी ना उतरे, कुछ एक उसमें से
शेष जब उतरा करो, जब ड्राइवर और कंडक्टर भी उतर कर दूसरी बस में चढ़ ले, जब उतरा करो खराब बस में चढ़। बोला ये जो समझदार हैं वो दूसरे पंथा वाले तो शीघ्र आ जाएंगे, संकेत समझ दे अग्या बस तो खड़ी है चलती कोई ना, और कुछ फिर ये संत हाथ खड़ा कर देंगे थोड़े दिन में, भाई मारे द्वारा पूरा तत्व ज्ञान नहीं है, किसी और के पास होता बेसक जाइयो, बाकी समझदार नु आ जाएंगे। और शेष जो कति अनाड़ी हैं वह जबा लेंगे जब उनके गुरु जी भी यहीं पर आ लेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर बंदी छोड़ के असीम रजा से ये संत सत्संग प्रारंभ हुआ और इसके अंदर जो पुण्यात्माएं लाभ उठा रही हैं उनके ऊपर भी प्रभु की असीम कृपा है। परमात्मा स्वयं ही अपनी महिमा बताने के लिए इस काल के लोक में आते हैं और वो अपनी एक लीला करते हैं। परमात्मा अजन्मा है, कबीर परमेश्वर का कोई जन्म नहीं होता। जब भी वो इस काल के लोक में आते हैं वह सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही चले जाते हैं। यहाँ कुछ समय के लिए एक मानुष जैसी लीला करते हैं, एक मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मनुष्य का जीवन जैसे एक मानव अपनी क्रिया करता है, यहाँ वो ऐसी ही क्रिया करते हैं। तो उस समय हम उसको केवल एक मनुष्य जान लेते हैं, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। भगवान हम क्यों नहीं मानते, परमात्मा किस लिए नहीं मानते, क्योंकि हमारे को ज्ञान गलत बताया हुआ होता है। हमारे को ये बताया हुआ होता है कि परमात्मा निराकार है, वो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। परमात्मा मनुष्य शरीर में नहीं होता, इसलिए हम परमात्मा जब आते हैं तो उसको एक मानव ही मान लेते हैं, दूसरा नाम उसका संत या भक्त रख लेते हैं। संत मनुष्य भी होते हैं और संत की भूमिका में प्रभु भी आ जाते हैं। हम इसलिए नहीं मान पाते परमात्मा, उस परमात्मा आए हुए को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान तो निराकार है। कुछ पंथों के संत ये भी कहते हैं कि जो गुरु रूप है, गुरु आया है वो तो है भगवान साकार, मानो वो साकार रूप है भगवान का, और सतलोक में परमात्मा निराकार है, सतपुरुष निराकार है, और आत्मा सतलोक में जो चली जाती है अपनी साधना भक्ति करके वो उस परमात्मा में सतपुरुष में ऐसे समा जाती हैं, अभेद हो जाती हैं, जैसे समुद्र में बूंद गिर जाती है पानी की। ये उनकी थ्योरी है जो यथार्थता से बहुत दूर है, मन घड़ंत है। उन संतों ने भगवान देखा नहीं, ना सतलोक के दर्शन हुए, ना ही उनको कोई थ्योरेटिकल ज्ञान भी ठीक नहीं होगा। आज जो ये समागम समापन हो रहा है, जो 14 जून से प्रारंभ हुआ था, ये उसी उपलक्ष में है। आज के दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उत्तरते की पणवासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सुबह के 4 बजे के आसपास, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु अपने सतलोक को त्याग कर सह शरीर इस मृतलोक में प्रकट हुए थे।
उन्होंने बनारस के अंदर, जिसे काशी शहर भी कहते हैं, वहाँ एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। उस उपलक्ष में, परमात्मा के यहाँ प्रगट दिवस के उपलक्ष में, ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का सत्संग की प्रतिवर्ष किया जाता है। सन 2007 में हम इसे नहीं कर पाए, क्योंकि कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी की रजा से सब हुआ था, उसी की रजा से ये अब देखना क्या होगा। पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा। हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है, ये पूरे विश्व में विख्यात होगा, समृद्ध देश होगा। यहाँ वही शांति होगी जो सतयुग के समय हुआ करती थी। आपसी राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये मार काट, पैसे के ऊपर इंसान कति शैतान हो लिया, ना बाण भाई का प्यार रहा, ना माता पिता की श्रद्धा, केवल एक पैसा पैसा नजर आता है। और ये तत्व ज्ञान के बिना ये जीव इस बुराई को त्याग नहीं सकता, और तत्व ज्ञान हो जाने के उपरांत ये प्राणी, जैसा कि आपने कल पवित्र गीता जी में सुना था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, के तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और तत्ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की महिमा और सतलोक में के सुख से परिचित, यानी तत्व ज्ञान के द्वारा पूरा ही वर्णन दिया जाता है कि तुम यहाँ इस मृत लोक में कितने कष्ट उठाते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, कितना पहाड़ जैसा कष्ट आप उठा रहे हो, और सतलोक में जाने के बाद फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहाँ फिर हम ऐसे ही रहा करेंगे जैसा यहाँ रह रहे, ये तो डुप्लीकेट माल है, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की पृथ्वी है, यहाँ के जो सुख हैं, ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास फोर्थ क्लास कह जाए वो माल भी नहीं है। उस सतलोक के जो सारा सुख है, सतलोक के अंदर जो आहार है, बाग बगीचे हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ, झरने बह रहे हैं, वहाँ बिना बादल के फुहार पड़ रही होती हैं, यानी जो सुख हम यहाँ आर्टिफिशियल फुहारे पूरे इलाके या वैसे प्राप्त करते हैं, वो वहाँ सदा बना रहता है, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। सतलोक में जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ हमसे आज कितने बड़े सेठ हैं, चाहे कितनी फैक्ट्री डालने से हम राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन मृत्यु होगी। ये सुख रह नहीं सकता, अस्थाई, अक्षीणिक, ये परिवर्तनशील है, और वहाँ कंस्टेंट है, सदा रहने वाला शाश्वत सुख है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो हम लूटा लूटी खसोटी कर रहे हैं, या पैसे के ऊपर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बुरे कर्म को, फिर ये ज्ञान हो जाएगा कि जो हम दो नंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं किसी भी कारण से, चाहे चोरी से, ठगी से, लकोक है, या कोई और मिलावट में लूट करके, रिश्वत आदि ले करके, वो पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखदायी होगा, और हो सकता है उसके कारण हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी लग जाए, तो वो पैसा जो हमने दूर दूर से जोड़ कर इकट्ठा किया वो भी चला जा, और वो बच्चा भी मर जाए जिसके लिए हम सुखी उसको सुखी करने के लिए और दुनिया को लूट लूट कर धन जोड़ रहे थे। क्योंकि प्रभु का विधान है कि भाग्य के बिना जितना भी आपकी किस्मत में है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, और कम भी नहीं रहेगा। ये तो है एक कॉमन रूल प्रभु का, साधारण सामान्य कानून है। तो ये कानून अटल है। कब तक अटल है? जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं मिलती। तो जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण पूर्ण संत नहीं मिलता, तब तक तो ये फाइनल है कि जितना भी तेरे भाग्य में है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा।
यदि आप इधर उधर की करके ज्यादा बना भी लोगे, आपने 1-2 लाख रुपये इकट्ठे कर भी लिए, आपके घर में कोई ऐसी घटना घट जाएगी, कह तो पत्नी बीमार हो जाएगी, कह स्वयं बीमारी आ जाएगी, कोई को बालक बीमार हो जाएगा, या कोई बिजनेस में घाटा हो जाएगा, या कोई रिश्तेदार पैसे ले जाएगा दे को नहीं, फिर दुश्मन भी बन जाएगा। और वो पाप इकट्ठे जो पाप आपने किए उस 2 नंबर से धन प्राप्त करने के लिए, वो पाप आपके पास चौकस रह गए, वो नहीं घटते, वो नहीं जाते, आप वो आपको ही भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह का ज्ञान तत्व ज्ञान से हो जाता है। फिर ये प्राणी दूसरे का धन लेना, चोरी करना, ठगी करना, हेराफेरी करना एक विष समझेगा, विष जैसे जहर होता है। अभी तक हमें पता नहीं था कि ये जहर है, इसलिए हम खा रहे थे, मर रहे थे, दुख पा रहे थे। जब बच्चे को पता चल जाता है कि ये विष है इस बोतल के अंदर और इसके खाने से आदमी मर जाता है, वो बच्चा शाना होने के बाद हाथ नहीं लगाता, अबोध बच्चा उसको खोल कर ढक्कन और पी लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से, जो हम पाप कर रहे हैं, फिर हमारे को ये दूर खड़े दिखाई देंगे, ये वो विष की बोतल की तरह नजर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के नंगे तार की तरह नजर आएंगे कि इनका हाथ लगते ही मर जाएंगे। थोड़ा कम करेंगे तो इस प्रकार ये सतयुग का माहौल आएगा। अब आप सत्संग में आते हैं, देख रहे हो, मैं तो विशेषकर देख रहा हूं कि जब से इस दास ने परमात्मा की मजदूरी करनी शुरू की है, उसके बच्चों के लिए ये उसके तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू किया है और ये उपदेश देना प्रारंभ किया है, उस दिन से देख रहा हूं कि जो भक्त हमारे परमात्मा कबीर बंदी छोड़ की शरण में आए हैं, उस समय उनकी क्या स्थिति थी। शुरुआत में तो वही आए हैं जो केवल बीमार थे, रोगी थे, किसी का घाटा हो रहा था, क्या बरकत नहीं थी, पशु मर जावे थे, किसी की फसल खराब हो जाती, किसी का ट्यूबवेल ना लग गया था, किसी की भैंस के थन बिगड़ जाए थे। तो शुरुआत यहां से हुई थी, क्योंकि समर्थ की समर्थता का तभी पता चलता है जब हम उसके गुणों को प्राप्त करते हैं। जैसे हम परमात्मा के विषय में सुना करते थे, प्रभु ये कर देता है, प्रभु निर्धन को धनवान बना देता है, परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है, और परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, प्रभु पिंगल को पहाड़ पर चढ़ा देता है, ये हम भगवान के गुण सुना करते, लेकिन होते कहीं नहीं देखे थे। हमने ये मान लिया था कि ये कभी सतयुग में होते होंगे, अब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बाल बुद्धि थी, मंद बुद्धि के थे हम, तत्व ज्ञान नहीं था। अब कारण ये था कि जो परमात्मा के गुण उस समय थे वो आज भी हैं, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है, प्रभु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे, वो अपनी त्रुटि थी। जैसे बिजली के गुण आप सुनते हो, बिजली पंखा चलाती है, ठंडी ठंडी हवा देती है, कूलर चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, ऐसे ऐसे गुण, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के मेरिट्स हैं, गुण हैं उस बिजली के, और उसके गुण तो हैं, लेकिन वो कैसे होंगे कि अपने पास पंखा भी हो, बल्ब भी हो, और फिर कनेक्शन हो उस पावर हाउस से जिसमें बिजली हो, और फिर देखना कनेक्शन मिलते ही बिजली अपना काम शुरू कर देगी। अब हमारे साथ क्या किया हुआ था इन अनजान संतों ने, उनको तत्व ज्ञान था नहीं, वेदों का ज्ञान भी नहीं था, ऋषि और मैं ऋषियों को वेद पढ़ पर वेद न जाने ये बाचे प्राण 18 जड़ को अंधा पत्ते खोआ वो भूल गया सृजनहारा।
वेदों को पढ़ते हैं परंतु भेद नहीं जानते थे, वेदों को पढ़ते थे फिर भी वही क्रियाएं करते थे। जैसे आपने कल सुना था कि ये ऋषि लोग ज्यादातर तप करते थे, जबकि घोर तप करते थे, हठ योग करते थे, जबकि वेदों में और पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में, सर्वसम वेद में इस हठ योग को मूर्खों का कर्तव्य लिखा है, राक्षस स्वभाव के लोगों का ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना होने से राक्षस स्वभाव के लोग करते। तो ऋषियों को राक्षसों से कम हम कैसे माने, जैसे दुर्वासा जी ने एक बच्चों की जरा सी गलती पर प्रद्युमन ने दुर्वासा के प्रद्युमन को एक बच्चे लड़की का स्वांग बना करके श्री कृष्ण के लड़के प्रद्युमन को दुर्वासा के पास ले गए थे और ये पूछने लगे मजाक में, बच्चों ने मजाक कर दिया कि इसको इसको लड़का होगा या लड़की, दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, यादों का नाश होगा। उनके वचन से जो ऋषियों ने तप करके जो भी वो भक्ति धन कमाया उससे उन्होंने राक्षस जैसा कर्म कर दिया, 56 करोड़ या दो लड़के मर गए। इसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ सेना मानदाता चक्रवर्ती राजा की अपनी उस भक्ति कमाई से जो धन जोड़ा था, वो जो सिद्धि कमाई थी उसके आधार से उसकी 72 करोड़ सेना को मार डाला। और कपिल मुनि जी, कपिल जी वो एक बार साधना कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में और राजा सगड़ के 60,000 पुत्र कोई क्रिया का अपना धार्मिक अनुष्ठान करते चल रहे थे, उनका घोड़ा खोल कर इंद्र ने और चुनक ऋषि की जांग का बंधवा दिया टांग के। तो घोड़े की तलाश करते हुए 60,000 सगड़ के पुत्र जब ऋषि कपिल जी के पास आए तो उन्होंने उस ऋषि के ऐसे शरीर में काखों के इस कंधों के नीचे कूख में बाले गाड़ दिए। ये सोचा कि ये ऋषि ने हमारा घोड़ा बांध दिया है लाकर और इसको ललकारते हैं तो युद्ध कर। अब ऋषि के तप करते करते उसकी पलक, आंखों की जो पलक हैं इतनी बढ़ गई थी जमीन पर टिकी हुई थी। ऋषि को दर्द हुआ जब भाले लगे, उसने अपनी पलकों को हाथ से ऐसे उठा क्रोध में और ऐसे करके ऐसे घुमाया, उसमें से अग्निबाण छूटे और 60,000 सगड़ राजा के बेटे वहां मर गए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। अब बताओ राक्षस किसी ने कहा करते, तो मानस खाया करते, मांस खाते थे वो, चाहे नू मार दो, चाहे तीर से मार दो, चाहे सिद्धि से मार दो, एक जैसी बात है। तो कहने का भाव हमारा ये है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता हम ऐसे ही कर्मों में लगे रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहते हैं। तो जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है तो हम केवल वही क्रिया करते हैं जो हमारे को यहाँ से छुटकारा पाने की, और परमात्मा की भक्ति से ही हमें शांति मिलती है, घर में सुख होता है। तो हमारा, हम जो आपको बताना चाहते थे कि अब एक सतयुग आएगा, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। अब आप तो ये दास पहले देखा करता था कि उनके पास कुछ भी नहीं था, दुखी हो रहे थे। आज 8-7 साल हो गए, 10 वर्ष हो गए, किसी 2 वर्ष, किसी 4 वर्ष, किसी 5 वर्ष, किसी 10 वर्ष, 12 वर्ष, आज परमात्मा ने उनकी वह मौज कर रखी है कि गांव में उंगली टिकती है कि ये घर इनके पता नहीं कहाँ से धन आता है। अब हमारे साथ ये बच्चे जेल में थे, 2 लड़के यहाँ से थे गुराना थे, दोनों भाई और दोनों जेल में। तो परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहता है, एक भाई तो 4-5 महीने के बाद जमानत होगी, दूसरा हमारे साथ आया और प्रभु ने यहाँ उनके ऐसी मौज कर रखी थी जो पहले काम चला था उससे 21 मौज होगी, 21। और हिम्मत देख उन बाण बेटियों की, उनकी माता जी की, दोनों बेटे जेल में
और मुलाकात करने जाती थी, जब न्यों क्या करती कि तुम आ गए हो ना जेल में, तुम उकता गए हो तो बाहर आ जाओ, हम आ जाएंगे जेल में थारे स्थान पर। एक दिल, एक तो न्यों जाकर रो है नाश हो गया, है नाश हो गया। एक ये हिम्मत दिया उन बेटियों ने, उनकी माँ ने, अगर तुम आ गए हो ना, काली मान रहे हो तो तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर गुरु जी के साथ आ जाओ रहेंगे। कहने का भाव यह है कि प्रभु ने न्यों पेटा पर रखा है कि वो साथ रहता अपने बच्चों के। तो लोग गांव वाले कहने के, आसपास के लोग ये कहने लगे, भाई इनका धन कितना हुआ इतना, ये मजाक करने लगे, ये कहने लगे कि ये आश्रम में सोना बताओ थे 30 किलो, वो इनका हाथ लग गया 1-2 किलो, ये वहां से ले रही। अब उन लोगों की सोच तो इतनी है, इससे आगे वो सोच नहीं सकते क्योंकि ज्ञान उन्हें सुना को नहीं। तो ये भक्त कहते हैं, बात तो थारी ठीक सा भाई, सोना ताव है आश्रम में थे, पर जिस तरह तुम कह रहे हो ऐसा नहीं आता, वो तरीका और है भगवान का देने का। अब ये इस प्रकार जब हमारा भगवान ठाठ करेगा, हमने चोरी की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने कल उस भगत की कहानी सुनी कि 16,000 रुपये बैंक में बढ़ गए, ये तो जैसी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी बढ़ा देंगे, और कैसे बढ़ जाते हैं। जैसे एक बहन, एक बेटी आ रही है यहाँ से, डराना की लड़की है वह, और गतोली ब्याह रखी है, उसका नाम है परमिला। वो कहाँ बैठी है बेटी, एक बार खड़ी हो है या खड़ी, इसको ब्रेन ट्यूमर, वो आपकी रिपोर्ट किस है बेटी, एक बार ये लाइए बेटा, इस बेटी का ब्रेन ट्यूमर होगी और ब्रेन ट्यूमर होगी तो इसकी आंखों की, पैरों की हड्डी बढ़गी 1.5 इंच, ऐसा बूंदी शकल, और मुंह भी और डालका हो रहा है इस बेटी का। और इसने लिखा अपनी आत्मकथा, ये इसके एक्सरे हैं, ये ढेर सारे तो एक्सरे तुरवा रखे बेटी ने, ये तो एक्सरे तलवा रखे हैं, सारे सिर के एक्सरे हैं, ये देखिए, ये इसके सिर के एक्सरे हैं, इसमें तो नहीं दिखते होंगे लेकिन इसमें नारे नारे ये एक एक अंग के ये एक्सरे तलवा रखे हैं। और इसके बाद ये रिपोर्ट है इसकी, ये रिपोर्ट है, ढेर सारी, ये डॉक्टर लोग तो इसको समझ सकते हैं, हमारे राबकत के में समझ मावे को ना, या केस समरी लिख रखी है मैंने, ये देखो इसको पढ़ लियो, या डॉक्टर की लैंग्वेज महारत समझ मावे को नहीं। हाँ बस ये देखो, ये है केस समरी, ये पैरों के अंदर जो है ना, ये पढ़ लेंगे डॉक्टर लोग और बता देंगे भाई सच्चाई है झूठ है इसमें, ये न लिख रखी है। ये है ट्रीटमेंट गिवन, ये लिख रखा है,
ये इसका नाम है बेटी का, पूरा एड्रेस इसके ऊपर ये देखिएगा। ये तो यहाँ का है और ये बहुत से ऐसे हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा कई कई हॉस्पिटलों में दिखा रहा है किसी बेटी ने। ये गणीय है, इसका नाम है परमिला और पति का नाम है, अभी मैं बताता हूँ आपको, सारी कहानी सुनाऊंगा। इसकी बेटी ने लिख कर दिया मेरे को, ये यहाँ लिखा है इसका, मैं परमिला पत्नी सुखबीर सिंह मलिक गांव गतौली और बेटी महेंद्र सिंह काजान गांव डराना, मेरे को खतरनाक बीमारी लगी ब्रेन ट्यूमर की, मेरे हाथों की उंगली में उंगली बढ़ गई और पैरों के साइज बढ़ गया, पूरे शरीर की हड्डी बढ़ गई 1.5 इंच 1.5 इंच। अब खुद अंदाजा लगाओ अगर किसी के शरीर की एक हड्डी थोड़ी सी भी बच जाए उसको कितना दुख होता है। और कितना दर्द होता है, इतना दर्द होता था कि कई बार तो सहन नहीं होता था और बेहोश होकर गिर जाती थी, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी तो श्वास का आना मुश्किल हो जाता था, बीपी इतना ही हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि क्या क्या कह रही हूं क्या नहीं, चक्कर आकर गिर जाती थी। कहीं भी घरवाले आते तब उठाते और डॉक्टरों का कहना था कि इस बीमारी में आंखें चली जाती हैं, शरीर की आकृति बढ़ जाती है, शरीर झूठा भी पड़ जाता है, ऑपरेशन करवाओगे तो 3-4 लाख रुपए लगेंगे और गारंटी बचने की गारंटी 100 में से 1% है। अब पुण्यात्माओं विचार करो, अब इस परिवार को 3-4 लाख रुपए परमात्मा ने बचा दिए तो ये कौन चोरी करेगा, कौन ठगी करेगा। और फिर उनको ये पता चल जाएगा कि अगर तुम आगे से किसी की कोहानी करोगे, चोरी करोगे, ठगी करोगे, झूठ बोलोगे, 2 के 20 बनाओगे, मिलावट करोगे, रिश्वत लोगे, तो ये रोग फिर लग जाएंगे, दुख फिर आ जाएंगे, तो ये जहर दिखाई देंगे इनको, ये छुएंगे नीचे भूखे रह लेंगे एक समय। तो इस प्रकार जब हम एक दूसरे को, हमारे को जब इतना ज्ञान हो जाएगा हम पाप कति त्याग जाएंगे और लूटना तो दूर है, लूटा करेंगे, क्योंकि हमें यह भी ज्ञान हो जाएगा कि दान धर्म करने से हमारे जो पाप भी नष्ट होते कुछ कम होते हैं और दान से ही हमें लाभ होता है, परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग मिलता है। तो फिर हम दान करा करेंगे, हम लूटेंगे नहीं, 2 पैसे हाथ से छोड़ा करेंगे। तो 3-4 लाख रुपए लगेगा और बचने की 100 में से 1% भी नहीं कह सकते कि बच जाएगी। ऑपरेशन के दौरान अंधी भी हो सकती है, ऑपरेशन तो करेंगे तो अंधी भी हो सकती है, पागल भी हो सकती है, पूरी सूज गई थी मैं, हाथ पैर मुंह मोटा मोटा हो गया था, और ऑपरेशन भी सिर्फ 2 जगह से हो सकता, एक गंगाराम हॉस्पिटल और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। तब मेरे पापा ने गुरुजी की चरण पकड़कर रोए कि आप क्या नहीं कर सकते, ये तो अभी 1 महीना पहले की बात है, ये महेंद्र भगत जी ने उपदेश ले रखा था, ये आकर के कहा जी आप हम तो गरीब आदमी ना, ये पैसा भी चल किसी पे ले दे कर ला जा, बच्चन की आस नहीं है, छोरी की जिंदगी बर्बाद होगी। तो इस लड़की को हमने यहीं बुला लिया, बेटी तू आ जा यहाँ कुछ दिन सेवा कर, समागम चल रहा है। उस दिन इस लड़की की शकल देखी नहीं जा थी, ऐसी हालत थी इसकी, ऐसा ऊट पटांग सा मुंह, नारायण बड़ा बड़ा हाथ जैसे अब शीशे दिखा करें और आंगली हाथा की इतनी लंबी लंबी न्यारी दिख, वो इसी बूंदी आराधिया बेटी थारे सामने खड़ी है। एक बार
अपर मिला इधर आजा बेटी।